आपको मैं कुछ दिखाता हूँ। ये जो इंडिकेटर है ये पता नहीं किसने लड़ा दिया और इसका काम हो गया बढ़िया से, और ये 575 रुपये का आता है। और कल ही मैं जा रहा था तो एक भाई साहब ने यहाँ ठोक दिया, अभी हो गया है टेढ़ा, इसको भी सही करवाना है। और बिल्ली भी चढ़ के कैटवॉक करके निकल गई यहाँ से। और आज आप लोगों को ये बात क्यों बता रहा हूँ, मैं मेरा आज का टॉपिक है कि जो ये सियाट सर्कस जो लगा हुआ है इलाहाबाद में PUKP कॉलेज ग्राउंड, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसे जाके देखें और सपोर्ट करें उन आर्टिस्ट को जो उसमें काम करते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत मेहनत करते हैं। और दूसरी बात ये मैं कि मैं सर्कस को इतना क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। सर्कस बचपन बहुत देखता था मैं, और मेरा फेवरेट सुपर हीरो भी इनफैक्ट सर्कस से ही है। लाइट कम है लेकिन आप लोग समझ सकते हैं। ओ फोकस, मेरा फेवरेट सुपर हीरो सुपर कमांडो ध्रुव जो कि सर्कस से ही आया हुआ है। और ये रही मेरी सारी कॉमिक्स, ये यहाँ और 43 कॉमिक्स और बाकी हैं। आज कुछ क्लिप्स पड़ी हुई हैं सर्कस की, एशियाड सर्कस, और मैं आपको शेयर कर दूँगा। तो उन्होंने का अच्छा मतलब दिखाया कंटेंट अच्छा, और आर्टिस्ट बहुत ही अच्छे थे। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो जगलिंग वाला और साइकिल वैन। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जाके देखें, और मैक्सिमम टिकट जो है 250 रुपये का है सबसे फ्रंट सीट वाले का। और जोकर भी अच्छे थे, छोटे मोटे 3 जोकर थे और अच्छा था सब कुछ। और खाना मतलब पॉपकॉर्न या पेप्सी भी सही रेट में मिल जा रहा था, PVR की तरह नहीं कि 80 रुपये के 2 समोसे ये लोग दें, तो ये अच्छा था। और सर्कस सिर्फ एक खेल नहीं है, दरअसल बचपन से जुड़ा हुआ है। मुझे सर्कस देखना बहुत पसंद था, और मेरा फेवरेट सुपर हीरो सुपर कमांडो ध्रुव इनफैक्ट जो आपको क्या बता रहा हूँ मैं आप तो जानते ही होंगे, वही सर्कस से ही है, जुपिटर सर्कस। और अच्छा लगता है, और इस यहाँ पे मेन बात ये है कि सर्कस में कोई VFX आर्टिस्ट या एडिटिंग वगैरह नहीं की जाती है, उन लोग को लाइव परफॉर्म करना होता है सामने, और अगर वो ना परफॉर्म कर पाए तो उनका मनोबल गिरने लगता है, इसलिए दर्शक होटिंग करने लगते हैं। कुछ दुष्ट होते हैं जो होटिंग करने लगते हैं, ये नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे उनका कॉन्फिडेंस गिरता है। लेकिन वो लोग मैं पिछले जब गया था मैं तो कुछ लोग होटिंग किए लेकिन फिर उसके बावजूद वो बैलेंस कर ली थी, और अच्छा था बैलेंस कर लिया 5वीं बार में, तो मुझे अच्छा लगा। बाकी सब लोगों ने तालियां बजाई, सीट सही तरह खाली ही रहती हैं, ऑब्वियस सी बात है PVR होता तो ये लोग 400 फूकने के तैयार होते, 400 रुपये। लेकिन अभी सर्कस है तो इन लोग को 250 रुपये देने में दिमाग ख़राब हो रहा है इन लोग का। तो मैं चाहता हूँ आप लोग अगर जो लोग प्रयागराज से हो या उसके आसपास के इलाके से, आप लोग एक बार KV कॉलेज जाके ACR सर्कस ज़रूर देखें। और ये रहे कुछ क्लिप्स। ताली भेट इधर करी जाए।